શ્રીલ જગન્નાથ જય રૂપે સનાતન રઘુનાથી ગોપાલ જય જય સરુ ધમ ગરાય રમાનંદ પ્રભુ જય 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 શ્રી નામાચ રાધા રાની કી જય પૂજાવત નિયમ સભા દામોદર પત કી જય દામોદર પત પલનકારી ભક્ત મંડળી કી જય 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 શ્રી સિંહ દેવ કી જય પ્રહલાદ મહારાજ કી જય અંબરીશ મહારાજ કી જય અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય સમવેત ભક્ત મંડળી કી જય ગૌર પરમાનંદે જય જમુના દેવી કી જય ઇમલી તલા સિદ્ધ પીઠ કી જય વંદે હયમ શ્રી ગુરુ સિજુતા પદ કમલાં શ્રી ગુરુ વસનામાં શ્રીરૂપં સગ્રજાતં સગન રઘુનાથનિતં તાં સજીવં સાધયિતં સાવધૂતં પરિજનસહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણપાદાન સગન લલિતા શ્રી વિશાખાનિતાંશ્ચ નમો વિષ્ણુપાદાય રૂપાનુગ્રહ્યાય ચ શ્રીમતે ભક્તિદયિત માધવ સ્વામી નામિની કૃષ્ણભિન્ન પ્રકાશમ શ્રીમૂર્તયે દિનતારિણે ક્ષમાગુણાવતારાય ગુરવે પ્રભવે નમઃ સતીર્થપ્રીતિ સધર્મ ગુરુપ્રીતિ પ્રદર્શિને ઈશ્વરદાન પ્રભાવસ્ય પ્રકાશકાયતિ નમઃ શ્રીક્ષેત્રે પ્રભુપાદસ્ય સ્થાનદાર સુકીર્તયે સારસ્વત ગણાનંદ સંવર્ધનાય તે નમઃ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી નામિને શિવાસવા ભાનુદેવી દયિતાય કૃપાર્થયે કૃષ્ણ સંમંત વિજ્ઞાન દાયિની પ્રભુવે નમઃ માધુર્જલ પ્રેમાઠ શ્રીરૂપાનુગ ભક્તિદ શ્રી ગૌર કરુણા શક્તિ વિગ્રહાય નમસ્તુતે નમસ્તે ગૌરવાણી શ્રીમૂર્તયે દિનતારિણે શ્રીરૂપાનુગ વિરુદ્ધાપ સિદ્ધાંત ધ્યંતહારિણે નમ ગૌરકિશોરાય સખાદ વૈરાગ્યમૂર્તયે વિપલંભ રસાંભોજી પાદંભુજાય તે નમ નમ ભક્તિવિનોદાય સચિદાનંદનામિને ગૌર શક્તિ સ્વરૂપાય રૂપાનુગવરાય તે ગૌરાવિભાવમિષ્ટં નિર્દિષ્ટા સજ્જનપ્રિયં વૈષ્ણવ સાર્વભૌમસિ જગન્નાથાય તે નમ પંચાકલ્પતરુભ્યઃ કૃપાસિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમ નમો મહાવદાન્નાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાયતે કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્ય
नामने गौरति से नम जयतांग सुरत पंगुर मम मंदमर्तिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भुजो राधा मदन मोहन दीपद्विंदारण्य कल्पधुमाधो श्रीमत् रत्नगार सिंहासनस्थ शिशी राधा शील गोविंद देव सृष्टालिवीसेभ्यमान स्मरामि सीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन वेणु शनै गोपी गोपीनाथ सियस्तेन बिन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्यै नम नम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ये दासे तीन अपेक्षायोतीना कृपा बिंदु दिया कर ये दासे तीन अपेक्षायोतीना सकल सहानी बल दिया कर निज माने स्वीयाहीना सकल बल दिया कर निज माने स्वीयाहीना सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ करिते सकति देहनाथ जथा जथ तबे त गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत तबे त गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत कवि है न कृपाल भी आए जान किता तो होइबे नाथ कवि है न कृपाल भी आए जान किता तो होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन करम रे आदम साथ शक्ति बुद्धि करम रे आदम साथ जगता विचारे किछु नाही पाय तुमार करुणा सार विचारे किछु नाही पाय तुमार करुणा सार करुणा ना होइने कादिया कादिया प्राण ना राखिब आर करुणा ना होइने कादिया कादिया प्राण ना राखिब आर भज श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्तवृन्द श्री अद्वैत कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर वैष्णव ठाकुर सम्बन्ध जानिया भजिते अभिमान हौ दूर सम्बन्ध जानिया भजिते अभिमान हौ दूर हामी त वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना हव आमी अमानी ना हव आमी प्रतिष्ठा आसिया हृदय दुषिबे हैव निरय गामी प्रतिष्ठा आसिया हैव निरय गामी तुमार किंकर आपने जानिब गुरु अभिमान त्याजी तुमार किंकर गुरु अभिमान त्याजी तुमार उच्छिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भोजी तुमार पद जल रेणु सदा निष्कपटे भोजी निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टादि दाने हवि अभिमान भाव निजे श्रेष्ठ जानी दाने हवि अभिमान भाव ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नलईव पूजाकार शिष्य तब थाकिया सर्वदा नलईव पूजाकार अमानी मान जइले कीर्तने अधिकार दिबे तुमि अमानी मान जइले अधिकार दिबे तुमि तुमार चरण निष्कपटे आमी कांदिया लुटिब भूमि तुमार चरण निष्कपटे आमी कांदिया लुटिब भूमि ऐ सर्वस्व तुमार चरणे सोपिया पड़ेछि तुमार घरे सर्वस्व तुमार चरणे सोपिया पड़ेछि तुमार घरे तुमि त ठाकुर तुमार कुकुर बलिया जान मोरे तुमि त ठाकुर तुमार कुकुर बलिया जान मोरे बाधिया निकटे अमारे पालिबे रहिब तुमार दारे बाधिया निकटे अमारे पालिबे रहिब तुमार दारे कतिपजने रे आसिते ना दिव राखिब गरेर पारे पचित जनेरे आसिते ना दिव राखिब गरेर पारे तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जा प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जा हमार भोजन परम आनन्दे प्रतिदिन हवे भोजन परम आनन्दे प्रतिदिन हवे बसिया सुइया तुमार चरण चिन्तिव सततयामी तुमार चरण चिन्तिव सततयामी नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन ता डाकिबे तुमि नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमि निजर पोषण कभु ना भाविब रहिब भावेर भरे
ভাবিব রহিব ভাবির ভারে ভকতি বিনাদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে ভকতি বিনাদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে। কীর্তন করলে কে এক নিয়ম হ্যাঁ না, যা ভক্তি বিনোদ বা নরোত্তম ঠাকুর কা নাম লেতে হ্যাঁ না উসি সময় উনকে প্রণাম করনা নিচে হোগে নানে দোষ হোগা। সো দেয়ার ইজ এ ট্র্যাডিশন অর ইউ ক্যান সে এ রুল ইন আওয়ার লাইন দ্যাট হোয়েনেভার উই ডু এ কীর্তন অফ এ পার্টিকুলার বৈষ্ণব then we first do pranam to that Vaishnava who composed the kirtan, like Narada Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Do you understand? Yeah. I said, Narubaliya. Jaya, 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 hori naam, kidananda nita dham, paratata yakhara yakaram. জয় জয় হরি নাম চিদানন্দ মিত ধাম পরতত্ত্বয় করয়াকার নিজ জনে কৃপা করি নাম রূপে অবতরি দিবে দয়া করি লয় পার নিজ জনে কৃপা করি নাম রূপে অবতরি দিবে দয়া করি লয় পার জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগ জন সুবিশ্রাম সর্বজন মানস রঞ্জন জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগ জন সুবিশ্রাম সর্বজন মানস রঞ্জন জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগ জন সুবিশ্রাম সর্বজন মানস রঞ্জন জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগ জন সুবিশ্রাম সর্বজন মানস রঞ্জন মুনি বৃন্দ নিরন্তর যে নামের সমাদর করি গায় ধরিয়া বদন মুনি বৃন্দ নিরন্তর যে নামের সমাদর করি গায় ধরিয়া বদন ওহে কৃষ্ণ নামাক্ষর তুমি সর্বশক্তি ধরম শিবের কল্যাণ বিচরণে ওহে কৃষ্ণ নামাক্ষর তুমি সর্বশক্তি ধর জীবের কল্যাণ বিচরণে তোমা বিনা ভব সিন্ধু উদ্ধারিতে নয় বন্ধু আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে সিন্ধু উদ্ধারিতে নয় বন্ধু আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে আছে তাপ জীবে যত তুমি সব করহত হেলায় তোমারে একবার হে যত তুমি সব করহত হেলায় তোমারে একবার তাকে যদি কোন জন ওহে দিন ঞ্জন ওহে বহিরে কি অন্য প্রতীক ফের বলো দাকে যদি কোন জন ওহে দিন অকিঞ্চন অন্য দেখি নাহি প্রতিকার যদি কোন জন ওহে দিন অকিঞ্চন অন্য দেখি নাহি প্রতিকার
सहसल प्रसूति पाए उग्र ताप दूरे जाए लिंग भंग भय अनायासे ताप दूरे जाए लिंग भंग भय अनायासे भक्ति बिना दकाय जय हरि नाम जय पड़े थी पद आसे भक्ति बिना जय जय हरि नाम जय पड़े थी पद आसे लिंग भंग का शब्द का क्या अर्थ है मीनिंग्स लिंग है ना लिंग भंग है ना लिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग भंग Linga Bhanga. Which one is that? Okay. If one obtains even a momentary vision of you, then all sorts of terrible miseries disappear. And one's gross and subtle bodies are easily destroyed. Understand? Linga Bhanga shabda ka artha hai kya hai? Prakita shari. And subtle. Prakita shari jo hai na? And सूक्ष्म और स्थूल शरीर स्थूल शरीर उसका खत्म होकर अप्राकृत शरीर अप्राकृत शरीर होना चाहिए इसको बोलते लिंग भंग है ना मीनिंग मीनिंग क्या बोलता है ऐसा लिखा है ना सूक्ष्म और स्थूल शरीर ग्रोस एंड सटल स्थूल और सूक्ष्म खत्म होना चाहिए हरि नाम का कृपा से नाम प्रभु का कृपा से जो प्राकृत शरीर अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर को खत्म होके अप्राकृत शरीर प्राप्त होगा अप्राकृत स्पिरिचुअल ये लिंग भंग शब्द का अर्थ है Do you understand? Janam asafala jaram Krishna darasana taram Janam asafala jaram Krishna darasana taram Bhagye hoi ache akbaram Bhagye hoi ache akbaram Nikasi ahi nayanam করি কৃষ্ণ দর্শন বিকশি আই নয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন ছাড়ে জি বিচিত্র বিকার ছাড়ে জি বিচিত্র বিকার বৃন্দাবন কেলি চো তুরবন মালি বৃন্দাবন কেলি চো তুরবন মালি ভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ বংশীধারী অপরূপ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ বংশীধারী অপরূপ রসময় নিধি গুণশালী নিধি গুণশালী বর্ণন বজল ধর শিরে শিখিতি ছবর বর্ণন বজল ধর অলক তিলক শুভ পায় অলক তিলক শুভ পায় পরিধানে পিতবাস বদনে মধুরয়াস পরিধানে পিতবাস বদনে মধুরয়াস ধ্যান রূপ জগত মাতায় নীল জিনি কৃষ্ণ রূপ খানি ধরিয়া কদম্ব মূলে জিনি কৃষ্ণ খানি ধরিয়া কদম্ব মূলে এই মনু চটনে চলে না চরণ সংসার গেলাম ভুলে মনু চটনে চলে না চরণ সংসার ভুলে সখিয়ে সুধাময় সিরু মাধুরী মাধুরী ওই দেখিলে নয়
चेतने झरे प्रेम माया बारी देख ले नया हाय चेतन झरे प्रेम माया बारी किवा चूरा सिरे किवा बंसी करे किवा से तिवंग ठाम करे किवा से तिवंग ठाम चरण कमले अमिया उछले ताहते नुपुर धाम कमले अमिया उछले ताहते नुपुर धाम सदाया साकरी भिंग रूप धरी चरण कमले स्थान सकरी भिंग रूप धरी चरण कमले स्थान अनासे आय अनायासे पाए कृष्ण रूप गाय अन्ना भावी अमानी इसको क्या अर्थ है लिखा अनासे पाए कृष्ण रूप का I shall readily sing of Krishna's glories and never worship any other. हाँ किसी से कोई मतलब नहीं है एक मात्र कृष्ण अनास कृष्ण रूप गाय कृष्ण का रूप गान करना ही हमारे कर्तव्य जगत में किसी प्रकार से मतलब नहीं है ना अना से पाए कृष्ण रूप गाय आना भावियो मने मन में और किसी प्रकार अनर्थ को भावना नहीं करना एकमात्र कृष्ण का रूप गुण चिंतन करना ही हमारे We don't need to think of anything else other than Krishna's glorious pastimes, his beauty. Beautiful. Rupa. Everything is done. Everything is done when we do this. Yeah. Nothing else is required. There's nothing else other than this in our mind. Radhe Jaya Jaya Madhava Doi Radhe Jaya Jaya Madhava Doi Radhe Jaya Jaya Madhava Doi Oh.
Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Nama Nama Mancha Kalpataru Vrasa Kripa Sindhu Vaivacha Patitanang Pavanibho Vaishnavi Nama Nama Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Nama He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Jasya Kadapi Vasanancha Lakhena Natha Dhannadi dhanna prabhanena kitarthamani Yogindra durgamagate madhusudano api Tasya namaste subhanu upadi sevapi Bhakta vihina paradalakshai Kiptasya kamadhi tarangamadhi Kipamahitang saranang prapanna Bindi namasta namascharanarvindam Mande Nanda Vajasthinang Padarenu Abhikshnasa Jasang Harikatud Gritam Punati Bhuvanatrayam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hari Hari Bhagavanir Abhinna Prakash Vigrah Swarup Sambandha Gandata Asmadiyo Nityalabh Ishtaparam Hansastattastha Srimad Bhakti Daita माधव गृषि चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते हित की प्रार्थना करता हूँ अस्मादीय शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद तलाविष्ट श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गृषि महाराज श्री चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते हित की प्रार्थना करता हूँ आज कार्तिक व्रत नियम सभा दामोदर मास शास्त्र में बारह मास में मार्गशीर्ष कहा जाता है अग्रहण मास अग्रहण मास मार्गशीर्ष मतलब श्रेष्ठ मास परंतु वैष्णव जगत में कार्तिक मास का महत्व ज्यादा है क्यों कार्तिक मास में महत्व क्यों ज्यादा है इस मास में भगवान ने यशोदा माँ का वात्सल्य रस को मूर्ति को दिखाया वात्सल्य रस उसके बाद में गिरिराज धारण किया है महाराज किया है इकतीस महीना इसलिए वैष्णव जगत में कार्तिक मास का महत्व सबसे ज्यादा है कार्तिक मास में विशेष करके मंदिर अश्वत्थ बा पीपू आमला ये समस्त स्थान में और तुलसी नियमित भाव से दीपदान करना जरूरी है सो पेइंग ओबिसेंस टू द डिवाइन मास्टर भक्तिदेव माधव महाराज एंड द शिक्षा गुरु भक्ति प्रकट केशव महाराज Maharaj is starting to this divine Harikatha and we are in the month of Damodar right now we are performing the Kartik Vrata in the 12 months Aghran is one of the months which is regarded as the best of the months but for Vaishnavas we consider Kartik as the most important and most auspicious of the 12 months Why? Because in this month, Krishna has accepted bondage under the spell of divine love of Mother Yashoda.
in the form of Damodar pastime. Also, Maharashtra happened in this month of Kartik. Giriraj. Also, Giriraj Govardhan has been held by, upheld by little Krishna in this month of Kartik. So, Vaishnavas accept Kartik Vrata as the Kartik month as the most important month. And Maharashtra Lila as well, yes. So, in this month, it is very important for all of us, Vaishnavas especially, to put light lamps under auspicious trees like Tulsi. Deep. Under the trees of Tulsi, Banyan, Asato, Amla. So, these are some of the auspicious trees under which we should light deep dan or light lamps under them. People. Mandir mein to dena chahiye. And obviously in the temples, definitely in the temples. Aaj hum log ke liye ye mahan tithi upasthit hui hai. Param Pujyapad Nityanapishtha Srimad Bhakti Vedanta Bhavan Dev Goswami Maharaj ka Tirupad Tithi. And also Pujyapad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj. Dono ka ek hi din mein. Pehle? 2004. Pehle Vaman Maharaj. Kake Swami Maharaj. Tomorrow is Swami Maharaj. Disappearance. Hari Bol. Bol kya maine? Janila prema dhana karuna prachur. Karuna pacho Anila prema dhana Karuna pacho Dhana prabhu kotha gela Acharya Thakur Goswami Thakur Hana Prabhu Kotha Gela Tibitka Maharaj Thakur Hana Prabhu Kotha Gela Tibitka Amora Sarup Rupa Taha Sonata Amora Sarup Rupa Taha Sonata Tadasa Raghunatha Patita Pava Kobira Kamura Katrajuga Kaha Kobira Katakale Kotha Gela Gora Natara Katakale Kotha Gela I need
kutiba matha analepa shiva pashare kutiba matha analepa shiva gaurangera gune nidhi kotha gele baba Pujyapad. Hamare Svatitha Deshtak Guru Bhata. Pujyapad Mamandev Goswami Maharaj. Aaj unka Tirabhav Mahasav hai. Hum log Shishya Parampara mein भक्ति वेदांत संहित में इसका मनाया गया. Today is the disappearance day of my elder god brother Vaman Goswami Maharaj, and in Bhakti Vedanta Samiti, by the disciplic succession, today the disappearance festival Mahamahotsav has been celebrated. Vaishnava charitra महान जीव का आत्मकल्याण के एकमात्र उपाय. वैष्णव कैरेक्टर, वैष्णव कैरेक्टर इज ग्रेट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडीशन सोल्स टू फॉलो. वैष्णवेर गुणगान करिले जीवित प्राण. इफ वी ग्लोरीफाई द वैष्णवस लाइफ इट विल बी for our benefit. जीव को संसार से उत्तीर्ण करने के लिए एकमात्र वैष्णव को आश्रय करना चाहिए. To go out of this material world, the conditioned souls will have to surrender to the lotus feet of great Vaishnavas. आश्रय लिया भजे तारे नहीं किस ताहे नहीं कृष्ण आश्रय लिया भजे नहीं त्यजे आर सब मरे का कारण है. आश्रय तत्व एकमात्र गुरु वैष्णव. इस आश्रय तत्व को अनुगत्य करना ही जीवेर एकमात्र आत्मकल्याण का सेवम उपाय. सो इफ कंडीशन सोल टेक्स सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ ग्रेट वैष्णवस, ओनली देन they will survive, they will be able to get over this mortal world, otherwise it will be disaster for them. Pujyapad Mamandev Goswami bhakti vedanta samiti mein gauriya vedanta samiti ko bahut uncha mile gaya. इसका कोई ठिकाना नहीं, इतना ऊंचा मिलेगी. पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज हैज एंश्योर्ड दैट गौड़िया वेदांत समिति रीचेस अ ग्रेट हाइट. इन फैक्ट अंडर हिज स्टीवर्डशिप
Gaudiya Vedanta Samiti has reached very great height. Since we can't explain how much great height he has taken this to. Pujyapad, Maharaj ka jivan mein sabse badi mahan gun hai udarata. He is very open. He is very humble and open to everything. That is his great quality. Maharaj ka andar mein udarata gun je mahan nahi hota tha. Pujyapad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj ji etna vipul bhav se vishnu prachar nahi kar sakta tha. Without such a great quality of Pujyapad Baman Maharaj, that he is so open and he is so free with everybody, that Pujyapad Narayan Maharaj would not have been able to be so much successful in spreading this divine knowledge across the whole world without that great quality of Pujyapad Baman Maharaj. So Baman Maharaj's quality is very important in... Isliye Pujyapad Baman Dev Goswami Maharaj ka Pujya Narayan Dev Maharaj ka saath mein Tivikka Maharaj, Pujyatang Maharaj itna ek nibir ek nikashastha priti dara bandha hua tha. So Pujyapad Narayan Maharaj, Pujyapad Trivikram Maharaj, Pujyapad Parjatak Maharaj, all three were, along with Pujyapad Baman Maharaj, they were all connected, intertwined, like a single soul, but two different souls, but they connected as a single soul, intertwined. Pujyapad Baman Maharaj, Shastra dictionary tha. Encyclopedia. Encyclopedia. Pujyapad Baman Maharaj was like an encyclopedia. कोई भी श्लोक उन सब उनका पास पूछने जाए, भागवत कौन पेज में कहाँ है, एकदम बोल देता था. He used to exactly say which verse of Srimad Bhagavat is in which page, which chapter. कोई भी शास्त्र. Any scripture, not just Srimad Bhagavat, any scriptures, he will tell exactly where it is there. So he's an encyclopedia of scriptures. Etna unko sriti shakti tha apne. Photographic. There's a photographic memory. Shruti tha. Durbhag kahe, aise aise mahan, jo jeev ko जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु का साथ में दक्षिण यात्रा करने के लिए कृष्णदास साथ में गया था सेवक रूप से कृष्णदास गया ना दक्षिण देश में तो महाप्रभु जी दक्षिण देश में प्रचार कर रहे हैं महाप्रभु राधा कृष्ण शुद्ध भक्ति का चलते चलते जब वापिस आया है प्रचार करते हुए तो एक भट्टाधारी है ना उनको मतलब उस बाहर से सन्यासी भेजे परंतु घर में स्त्री जाति राख देते थे तो भट्टाधारी को ऐसे प्रलोभन दिया कृष्णदास को तो महाप्रभु को छोड़ के उसके पास चला गया घर में चला गया Mahaprabhu went to southern part of India along with another devotee, Krishnadas, to spread the message of pure devotion of Radha Krishna. But there was a sect called Bhattadhari. They were externally looking like sannyasis, but they used to stay with women in the house. So Krishnadas was given enticed by those Bhattadharis, and Krishnadas left Chaitanya Mahaprabhu and merged with Bhattadhari people. तो महाप्रभु जी को मालूम पड़ा कृष्णदास को प्रलोभन करके उनको स्त्री जाति प्रलोभन करके उनके घर में ले गया तो महाप्रभु जी वहाँ भट्टाधारी घर में गया घर में जाके क्या किया एकदम बाल को पकड़ करके ले आया जीव को कृपा करने के लिए बाल का मुट्ठी से पकड़ने से ना तो
और हिल नहीं सकता है When Mahaprabhu came to know about this, that Krishna Das has been enticed by women in this Pattadhari sect and he has been taken away, Mahaprabhu went to the Pattadhari's house and hold Krishna Das with his hair on the head and he pulled him out from there to provide mercy to the souls. It is required to catch them by the hair and pull them out of this mess. Gypsies. इसी प्रकार से जीव जो है ना मायाग्रस्त होती संसार में फंसा हुआ है. In this way, the souls, conditioned souls, are completely enmeshed in cosmic world Maya. एकमात्र भगवान कृष्ण एकमात्र जो सेवक है अभिन्न स्वरूप है वही एकमात्र गुरु रूप से जीव को बाल पकड़ कर खींच के उनको आत्मकल्याण के लिए प्रस्तुति करते थे. The representative of Supreme Lord, our spiritual master, he holds us, holds the disciples, the conditioned souls, by their hair and ensures that they are put in the right path to the devotion to Radha Krishna. इसी प्रकार से पूज्यपाद अस्माद शिष्य गुरुपाद पद्म भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को इन लोग का गुरु निष्ठा है. उन लोग का इन महापुरुष का जीवन जो है गुरुपात्मा में समर्पितात्मा है. तन मन शरीर सब कुछ गुरुपात्मा में निशाभर करके दिया. The life गुरु कृपा से इसलिए आज इतना महान बना है. This great Vaishnavas, they completely surrendered themselves to the lotus feet of their spiritual master. That is the key to their becoming so great in the life, and today we know them, we know their glories across the world, they're spreading. It is just because of their complete surrender to the lotus feet of their spiritual master. इसलिए बामन देव बामन महाराज जी उन्हें उनका सारी परिवार जगत गुरु शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का शिष्य थे. माता पिता सभी परिवार सभी प्रभुपाद जी को आश्रित थे. पूज्यपाद बामन महाराज फैमिली हिज फेयर पेरेंट्स वेर द डिसाइपल्स ऑफ पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद. तो पूज्यपाद बामन देव महाराज जी उनने छोटो अवस्था में मायापुर जगपीठ में आके स्कूल में पढ़ने के लिए आया है. When he was very young, he came to Mayapur in Jogopit and he came there to study in school. तो उस समय प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी ने उनको हरि नाम दिया है. दीक्षा नहीं दिया था हरि नाम. At that time, Prabhupada offered him with हरि नाम, initiated it with हरि नाम, not full diksha, हरि नाम diksha. प्रभुपाद जी को मैंने अपने जीवन में देखा है. बामन महाराज जी प्रभुपाद जी को विचारधारा में एकदम स्ट्रॉन्ग बिलियन था. विचारधारा को किस प्रकार से जगत में बोलना है ये प्रभुपाद जी को उनको कृपा उनके ऊपर बहुत था. The principles followed by Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was very clearly followed.
exactly followed by Vaman Maharaj, which means that the mercy of Prabhupada was very much there on Vaman Maharaj for ensuring that he follows the principles of Prabhupada verbatim. फिर धीरे धीरे पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान कश्यप गोस्वामी महाराज जी दीक्षा संन्यास दिया है और पहले तो सुना था हमने नारायण महाराज जी कभी कहा था तो वेदांत समिति का आचार्य बन जाओ परंतु महाराज जी ने पहले ना ही कर दिया उसके बाद में बामन देव महाराज को बोल दिया कि आप वेदांत सुन हमारे जाने के बाद वेदांत समिति का प्रेसिडेंट आचार्य आपको होना पड़ेगा लेटर ऑन आफ्टर द हरिनाम दीक्षा लेटर ऑन पूज्यपाद बामन महाराज रिसीव्ड इनिशिएशन एंड संन्यास फ्रॉम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज एंड पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज वांटेड और रिक्वेस्टेड पूज्यपाद नारायण महाराज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ भक्ति Vedanta, Gaudiya Vedanta Samiti, but he did not say that, he didn't accept at that time. So, Pujyapad Keshav Maharaj requested to Bhavan Maharaj to take the role of the leader of Gaudiya Vedanta Samiti and become the Acharya after his, when he is not there, and become the president of the Gaudiya Vedanta Samiti. Jaise Keshav Maharaj ji se, Keshari hai na ser tha. Keshav Maharaj is like a lion. He's a Kesari. He's like a lion. Sir, इसी प्रकार से अपना गुरुपाद मतलब अनुकरण करते हुए अनुसरण करते हुए ये लोग भी शेर का माफी पूज्य पाठ किसे बामन महाराज जी नारायण महाराज जी शेर का माफी गुरु को महाप्रभु को शुद्ध कथा आज विश्व जगत में अवधान दिया है So similarly, like a lion, Pujyapad Bhaman Maharaj, Pujyapad Narayan Maharaj, they have spread the message of Chaitanya Mahaprabhu with the courage of a lion. Unko pas, unne bahut yogya yogya shishya unko mila hai. He also received, or he was fortunate to get very qualified disciples. जिस प्रकार से शिवानंद नवीन कृष्ण प्रेमानंद और भी है बहुत like शिवानंद नवीन कृष्ण प्रेमानंद और बहुत जग जग को there are many such great शिष्य उनको मिला है disciples had received they had एक महान गुण था उनने कभी शिष्य का वात्सल्य वा शिष्य का अभिभूत होते हुए भी कभी किसी प्रकार से किसी गुरु भाई को दुख नहीं दिया है ना समझ में मींस अंडर द स्पेल ऑफ द पेरेंटल लव फॉर द डिसिपल्स दे नेवर एंश्योर दैट द गॉड ब्रदर्स are not taken care of means god brothers should not feel unhappy just because their own disciples has to be taken care of so god brothers have been maintained at a very high level pujyapad nal maharaj ji secretary tha koi bhi aapne kisi prakar se kono shishya ka koi bhi objection jo hota hai unko kabhi nahi samadhan nahi karte जाओ नारायण महाराज के पास जाओ नारायण महाराज जी जो बोलेगा वही तुम्हारे समाधान है हम किसी समाधान नहीं करेगा मुझे पता नारायण महाराज वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ द गौड़ीय वेदांत समिति सो इफ एनी डिसाइपल इज टू कम विद अ प्रॉब्लम एनी ऑब्जेक्शन टू एनी ऑफ द इश्यूज मुझे पता बावन महाराज सेज आई कांट सॉल्व इट प्लीज गो टू मुझे पता नारायण महाराज व्हाटएवर ही सेज इज फाइनल इसीलिए देखो बाकी जितना मठ है ना प्रभुपाद का बाद में शिष्य लोग जितना मठ किया है सभी जो गुरु कार्य करने के समय भी शिष्य का बात सुन लेता है सतीत्व को दुख देता है इसलिए किसी मठ आगे नहीं बढ़ा वेदांत समिति इसलिए बढ़ा है
ये पूज्य बात महाराज जी के उधर आता था, जो बामन नारायण महाराज जो बोलेगा वही हम मान लेता था. This is a very key feature of Gaudiya Vedanta Samiti, that whenever any disciple is to say something to Bhaman Maharaj, Bhaman Maharaj could have accepted and used his own ways because he was president. But he ensured that his god brother Pujyabhad Narayan Maharaj is there, and if he does something without his consent, then things will go in disarray. And such things actually happened in other the branches of Prabhupada, in different other mats and ashrams, institutions, that under the spell of the disciples, they have not taken care of their god brothers. Mm-hmm. So they have all become separated. But this did not happen. This didn't happen in Gaudiya Vedanta Samiti. And this is because of Pujyapada Bhaman Maharaj's openness and his beautiful characteristic that he will follow his god brothers first, not the disciples. Jis prakar se makan banayega na, तो चार पिलर रहते. House has got four pillars. चार पिलर के ऊपर मकान खड़ा रहते, बाकी दरजा जानला ईटा का गादी है, पानी है, सीमेंट है, बाकी से वो है. मकान चार खम्बा के ऊपर खड़ा रहते, पिलर के ऊपर. इसी प्रकार से पूज्यपाद ममन देव महाराज, पूज्यपाद नारायण महाराज, पूज्यपाद विक्र महाराज, पूज्यपाद पूज्यटंग महाराज, चार पिलर. So Gaudiya Vedanta Samiti is like a house with four pillars. Pujyapad Narayan Maharaj, Bhaman Maharaj, Trivikram Maharaj and Pujyapad Parjatak Maharaj. So then the house will not fall, and they are very strong pillars. In four pillars, in four pillars, like a house standing, in this way, some four people, four Mahapurus, so when जो नारायण महाराज के पास, तो नारायण महाराज का हमने हमेशा ही देखा है कि केशव जी गोरी मठ में रहते थे मथुरा में. उन्हें कभी प्रचार प्रसार में ज़्यादा पहले इच्छा नहीं था, हमेशा हम देखता है वहाँ ही भजन करते थे. अरे एक रुचि था उनका, सब जो जितना शिष्य है ना बामन महाराज का, उनको शास्त्र को अध्ययन कराना, खुद शास्त्र अध्ययन करना, ये इसी प्रकार से सबको शास्त्र पढ़ाया. जैसे नवीन कृष्ण है, सुखानंद है, सुखानंद तो केशव जी गोरी मठ में था के संस्कृत भी पढ़ा है ना. इस प्रकार से प्रेमानंद है, और भी सबको शास्त्र पढ़ाया. शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ अनुशीलन करो, भजन कैसे करोगे. इसी प्रकार से करते करते फिर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उनको कहा था कि मैं जाने के बाद कोई भी प्रश्न हो, विदेशी लोग को सबको कोई भी प्रश्न हो तो नारायण महाराज के पास जाओ समाधान करना. तो महाराज के पास जाते थे धीरे धीरे. महाराज को वो लोग भी, स्वामी महाराज शरीर अप्रकट हो गया. अब जाने से फिर किसके पास, प्रचार बंद हो जाएगा. तो धीरे धीरे बहुत विदेशी लोग उसका आसन आने लगा. तो फिर बामन महाराज बोला ना, हम विदेशी से किसी को शिष्य नहीं करेगा, आप करो, आप करो, आप करो. तो इतना बड़ा उदारता नहीं होता था. उदारता से ही आज पूज्यपाद नारायण महाराज विश्व वरेण्य आचार्य का काम करके किया. इसे नारायण महाराज का विश्व प्रचार में एकमात्र मूल पूज्य बामन महाराज का गोदान है. पूज्यपाद नारायण महाराज महाराज has seen that he used to stay in Keshavji Gauriya Math in Mathura, and he was not so initially not very focused on doing prachar and the preaching work, because he used to stay there. He was more focused in his own spiritual practice and bhajan. And he used to study scriptures, and he used to ensure all the disciples of Bhaman Maharaj, Pujyapad Bhaman Maharaj, is also ensuring that they also study scriptures. Without the study of scriptures, how will your spiritual practice will move forward? But then he also met Swami Maharaj,
And Swami Maharaj has a lot of disciples across the world, foreign disciples. So Swami Maharaj said that after, when I will not be there, you people can go to Pujapad Narayan Maharaj for solution to your queries. So many foreign devotees started coming to Pujapad Narayan Maharaj, to Gauriya Vedanta Samiti. And as they came close, they found a lot of real theme, additional things over there. So many of them wanted to become disciples in Gauriya Vedanta Samiti. But Pujapad Vaman Maharaj said, no, I won't make any foreign disciples. He said, you go to Narayan Maharaj, Pujapad Narayan Maharaj, and he will initiate you. So without this great large-heartedness of Pujapad Vaman Maharaj, today we see Narayan Maharaj, he's a great acharya of the whole world, he's a universal acharya, and the greatness of Pujapad Narayan Maharaj, the root of that is the large-heartedness of Pujapad Vaman Maharaj. Isliye vartaman mein jo log सौभाग्य से सुकृति से गौड़ वेदांत समिति में स्थान लिया है, अंतर्भुक्त हुए है, व आगे आने वाला जो है, इन लोग सब पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन देव गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण देव गोस्वामी महाराज के पास हम लोग सब ऋणी समझना चाहिए. So whosoever are today part of Gauriya Vedanta Samiti or whosoever will become part of Gauriya Vedanta Samiti in future, we all of us must be indebted completely to Pujapad Vaman Maharaj and Pujapad Narayan Maharaj. Any questions? Pujapad Trivikram Maharaj. त्रिविक्रम महाराज तो अभी उनका तो ऐसे ज़्यादा प्रचार प्रचार तो नहीं किया है, परंतु त्रिविक्रम महाराज बहुत स्निग्ध वैष्णव थे. आज यद्यपि कुछ हर समय उन लोग वामन देव महाराज का सेवा में प्रचार में पुष्टि करते थे. Pujapad Trivikram Maharaj was a very mild and calm, great Vaishnava. And he was always used to support and help in the preaching of Pujapad Vaman Maharaj and Pujapad Narayan Maharaj. Duno Mahapurush ka charan mein hum praniti hoke unka aashirvaad prarthana karta hu, jaise mere adham patit jeever prati aashirvaad kare mere bhajan karne ke liye. आगे बारे नंचल पास हिंदु भये बचो पतितानं पावनी पूर्वश्नि. So we're paying obeisances to these two great spiritual souls, spiritual masters, so that our spiritual practice remains in the right path and we achieve our goal at the earliest. कितना टाइम हुआ? 8:54 अटचवाना. नॉट अवस्थे पांच. Time. Time flies. Akshopalam padrisha tadrisha darsan. Akshopalam tadrisha darshanam hi. Jivapalam tadrisha gatrasan. Jivapalam kirtanam. Aaj rahe phir kal. Akshopalam. Kal ka kya karna hai baaj gaya. Living scriptures. Vaishnavas, great spiritual Vaishnavas masters. Hey, yes. Chalo, chashma ka rakha. Hari bol Gurudev, sab chala gaya. Hamare samne, hamare guru bhai log, sab chala gaya. Nahi reh gaya. Aapko rehna hai bahut din. Sab, maine क्या मेरे सौभाग्य था व दुर्भाग्य था, मैंने बहुत प्रभुपाद जी को शिष्य को सेवा करने के लिए दर्शन करने के लिए सौभाग्य मिला है.
जितना सब प्रभुपाद जी को शिष्य था ना, उस समय वृंदावन में एक ही मठ था जो चैतन्य गौरी मठ और केशव जी गौरी मठ मथुरा इमलीतला में एक सेवक था, वही पूजा करते थे, रसोई करते थे। वन महाराज जी का मठ में वहाँ वन महाराज जी का रुचि था, जितना भिक्षा का पैसा मिलता था कॉलेज में लगाना है, यूनिवर्सिटी है ना, उसमें लगाते थे। इसलिए मठ में दो चार वैष्णव आ जाए उनको खिलाने के समर्थ नहीं था। बाकी चैतन्य मठ मदन मोहन का सामने है ना, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं था। नहीं नहीं, मदन मोहन का सामने चैतन्य मठ है ना, मदन मोहन मंदिर का सामने मूल मठ है ना चैतन्य मठ। नहीं नहीं, मदन मोहन का सामने जो रहते हैं ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द गेट ऑफ मदन मोहन, तीर्थ महातीर्थ गोस्वामी महाराज, तो Maharaji was very fortunate to have met many disciples, great disciples of Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, spending money on the temple, on the mat. So if any one or two persons used to come, Vaishnavas used to come and stay there, there was no money to feed them as well. It was such a situation. What university is that? University is Bond Maharaj University, okay. Opposite this ISKCON. Opposite ISKCON. Okay. Oriental College. Yeah. Bon Maharaj College. And same was the Chaitanya Math, which is opposite to Madan Mohan temple. It is also not very well to do at that time. इसलिए दोनों मठ एकमात्र समर्थन था, समर्थ था। Only two mats was able to do some service. चैतन्य गौरी मठ, केशव जी गौरी मठ। These are the two mats. जितना वैष्णव साधु आते थे, ये दो मठ में व्यवस्था था। So all the Vaishnav sadhus used to stay there in these two mats. And Imlitala only had one sevak. Imlitala had only one sevak. It was also there. He was the one who used to do cooking, he used to do the serving the duties and cleaning, whatever, everything. One person. Aisa paristhiti mein hum log ka jeevan hai. This is way Maharaj has seen this life in Vrindavan. Chalo, aur kya karega? Main to bas. Kal hoga phir. Kundalata is waiting for. Kal phir Swami Maharaj ka. চলো কি করা যায়। नटवर गुहाचर शरत विहारी वल्लवी वल्लव देव गोपी वस्तहारी नटवर गुहाचर शरत विहारी वल्लवी वल्लव देव गोपी वस्तहारी जगपति गणपति करुणार सिंधु जगपति गणपति करुणार सिंधु गोवर्धन अधिक माधव ब्रजवासी बंधु गोवर्धन अधिक माधव ब्रजवासी बंधु इंद्रदर पहारी नंद रक्षित मुकुंद इंद्रदर पहारी नंद रक्षित मुकुंद श्री गोपी वल्लभ रस कीड़पुरानंद श्री गोपी वल्लभ रस कीड़पुरानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Guru Gauranthar Kriti Radha Govind Gopinath Madan Mohan Ki Jai Radha Giridhar Ki Jai Jai Om Vishnupad Nityalabhishta Paramahansa Stotra Satasima Bhakti Daita Madhav Gosvami Maharaj Ki Jai Nityalabhishta Paramahansa Stotra Bhakti Bhagwan Krishna Gosvami Maharaj Ki Jai Nityalabhishta Sriman Bhagwanti Gosvami Maharaj Ki Jai Chadiya Tirohati Chinam Sankirtan Mahasya जय इतला विष्णु प्रसिद्ध श्री कृष्ण महाराज की जय इति भाव के नाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय इतला शक्ति वेदांत नारायण देव गोस्वामी महाराज की जय इतला सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तोपाद की जय जय गुरु सनातन भक्ति गुणासी गोपाल भक्त दास गुणासी गोस्वामी प्रभु की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय नाम प्रभु की जय सपार्श गुरु सुंदर की जय जय श्री श्री राधा रानी की जय विद्यावतनियम सेवा दामोदर पत की जय दामोदर पत पलंकारी भक्त मंडली की जय पूर्णानंदी हरि हरि बोल श्री राम कृष्ण प्रभु की जय चश्मा दे दे चश्मा मेरा क्या फिर लोज लिया यू हैव नो सॉक्स अरे हमारे पास कितना पड़ा है बहुत पड़ा है ऐसे सब बोल नहीं सकते बहुत पड़ा है हमारे पास ये बाहर पड़ा था इसलिए मैंने चलो पहन ले खाली चल लास्ट नाइट दिस टू सॉक्स आर ऑफ सेम कलर और डिफरेंट कलर्स टू बी डिफरेंट कलर सो यू कैन वन वन सुनो हमारे महात्मा बोलता था जूता ऐसे अलग अलग जूता पहनो दो तो मंदिर में जाए उसे कोई उठा के नहीं If you have what he's saying that if you wear slippers, use slippers of two different varieties, different colors. People won't steal it. No problem. Maharaj had socks instead of two different colors. That's why I asked her. Oh, okay. Purposely doing it. You have to bring two more. With a different color, then he can switch. But different color. Yeah, two perfect. Different colors. Yeah. So perfect. Yeah. Great. Did you know this? Huh? That he's doing this? It's Radharani's arrangement. Yeah? Radharani, absolutely. Perfect. Last night I saw. Ah, okay. One black, one this. Ah, so you do Anugatya. Anugatya. Very good.